खाली 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 खाली। ये धीरे धीरे 100% में चला जाएगा अध्यक्ष महोदय। और आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, चपरासी के नौकरी में ग्रेजुएट और पीएचडी किए हुए बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इतना डिस्ट्रेस है नौजवानों। अब सब राज्य सरकार के मत थे, लेकिन चिंता ना करें अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये जरूर अपने षड्यंत्र पर कामयाब हुए हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा इससे खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इनके लिए, इन नौजवानों के लिए वैकल्पिक रास्ता हम निकालेंगे और इसमें निश्चित रूप से हम लोग सफल भी होंगे, क्योंकि सरकार की सोच बिल्कुल पारदर्शी है और इस राज्य के नौजवान बेरोजगार के प्रति हमारी भावनाएं हैं। इसी के लिए अध्यक्ष महोदय आज गांव गांव पंचायत पंचायत आज पदाधिकारियों को भेजकर स्वरोजगार सृजन करने का हम लोगों ने एक मजबूत पहल शुरू किया। अध्यक्ष महोदय आज वही वातावरण जो 20 साल का, आज इस वातावरण में कई बदलाव होते हुए आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय। और एक वातावरण बन रहा था इस राज्य में रोजगार सृजन को लेके, नौकरी को लेके, माननीय विधायक शशिभूषण जी बोल रहे थे रोजगार कारखाना खोलिए, हमारे राज्य में कारखाना खोलिएगा क्या अध्यक्ष महोदय? स्थिति यहां पर जो हुआ अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग स्थानीय नीति बनाया, हम लोगों ने उद्योग नीति बनाया, हम लोगों ने पर्यटक नीति बनाया, हम लोग खेल नीति बनाया, कई नीतियां हम लोगों ने बनाई और हम लोग की उद्योग नीति को देश में कई उद्योगपतियों ने काफी सराहा भी, और कई उद्योग डालमिया जैसा सीमेंट आकर के अपने प्लांट को लगा करके शुरू भी किया, कई हमारे अजीम प्रेम जी जैसे फाउंडेशन को हम लोगों ने राज्य में आने का न्योता दिया, वो तैयार भी हुए अध्यक्ष महोदय, और उनका बड़े पैमाने पर राज्य को सहयोग भी मिलेगा। और इन सब को ध्यान में रखकर कई उद्योग घरानों से ये बातें चर्चाएं चल रही थी कि अब झारखंड में आकर के अपना निवेश करेंगे, लेकिन जो वातावरण एजेंसी सरकारी एजेंसी के द्वारा इन लोगों ने बना दिया इस राज्य में, इतना डरावना इतना भयावह बनाया अभी वातावरण इस राज्य में, और ये सुनियोजित तरीके से इनको नहीं पच रहा है अध्यक्ष महोदय कि ये नौजवान, एक आदिवासी नौजवान यहां उसके कार्यकाल में इंडस्ट्री आकर के बैठे, यहां रोजगार सृजन हो, और आज इनके एजेंसियों की कार्रवाई से वो उद्योग घराने में एक डर पैदा हो गया है कि पता नहीं वहां पर एजेंसी क्या निर्णय लेगी, क्या करेगी, कहां जाएगी, किसके दरवाजे पे जाएगी, और सरकार को अस्थिर करने में लगे। सरकार बनने के दूसरे दिन से तो ये इस काम में लगे हैं, लेकिन सरकार का एक ईमानदार सोच ये वजह है अध्यक्ष महोदय सरकार अपनी इतनी मजबूती के साथ यहां पर खड़ी है। अध्यक्ष महोदय अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सभी लोग इस बात को मानते हैं। इस देश में कई राज्य हैं जो अपना भाषा संस्कृति के आधार पर अलग हुआ, आज क्यों नहीं हम अपने राज्य की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़े? अध्यक्ष महोदय भाषा समाप्त होना मत, ये साधारण बात नहीं है, भाषा समाप्त तो संस्कृति समाज, सभ्यता समाज। आज ऐसे ही अंग्रेजी देश का सबसे, दुनिया का सबसे अधिक बोलने वाला और उपयोग में लाने वाला भाषा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, वो कई भाषाओं को उसने समाप्त कर दिया, कई संस्कृतियों को समाप्त कर दिया, कई देश के तो सभ्यता संस्कृति ही समाप्त कर दी। आज इस राज्य का, जहां इस राज्य में आप इस भाषा का जो महत्व है अध्यक्ष महोदय, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखने को पता चलता है, जहां 70 साल की एक बूढ़ी महिला जिसको हो संथाली मुंडा के अलावा कुछ नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है, और हमारे पदाधिकारी
ना हो जान पाएंगे, ना संथाली जान पाएंगे, ऐसे लोग आएंगे तो विकास की योजनाओं का क्या लाभ मिलेगा उसको, वो क्या समझ पाएगा। हम लोग नियोजन नीति में हम लोगों ने स्थानीय भाषा का जो सब्जेक्ट रखा था उसमें पासिंग मार्क्स, और उसके बदौलत बच्चे आगे आ सकते थे। पिछले सरकार में भी स्थानीय भाषा को रखा जाता था, लेकिन अंतिम में जब उसका रिजल्ट प्रकाशन उसका ये आता था उसमें वो स्थानीय भाषा का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता था। तो ये सोच, और सोच उनकी हमारी सोच। अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत है, अब चूंकि इनकी इनको चेहरा भी दिखाना जरूरी है, लेकिन अब चूंकि ये है ही नहीं, इनको दिखा के भी कोई फायदा नहीं, लेकिन जनता अब सारा कुछ समझ रही है। अध्यक्ष महोदय, इनके चाल चरित्र, इनके चतुराई, और किस चतुराई के साथ इस देश को, राज्यों को मूर्ख बना रहे हैं। महंगाई देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, कभी पूछते हैं ये लोग महंगाई के बारे में, बोलते हैं कभी? 5% का रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया, 400 रुपए का सिलेंडर अध्यक्ष महोदय 1200-1100 रुपए का हो गया। आज गरीब के थाली से चावल, दाल, सब्जी सब गायब। किरासन तेल कितना का मिलता था? किरासन तेल 5-10 रुपया, 15 रुपया, और किरासन तेल 110-115 रुपया लीटर। क्या गया अध्यक्ष महोदय देश को, अर्थव्यवस्था ओंधे मोह गिरी पड़ी। आज 80 रुपया डॉलर के मुकाबले देश का करेंसी हो गया, पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है देश आजाद के बाद पहली बार इतना बुरा हाल रुपए का हुआ है, और रुपया का इतना बुरा हाल है लेकिन सनसेक्स फुटबॉल की तरह उछाल मार रहा है। ये समझ से परे है, ये गणित व्यापारियों को ही समझ में आ सकता है। 70-80 सालों में जो बुजुर्ग नौकरी पैसा मजदूरी करके जो बचाया कुचाया होगा अध्यक्ष महोदय, अपना बेटा को पढ़ाने के लिए, बेटी को शादी करने के लिए, इन 8 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमात ने उन सभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीबों के सारे पैसे खत्म करवा दिए, और जो रहे कैसे कुछ लोग होंगे उनका भी खत्म हो जाएगा। ये लोग जब महंगाई 1 रुपया 10 पैसा 50 पैसा बढ़ता था तो कैसे छाती पीटते थे, और आज महंगाई में लगता है कि इन लोगों ने जेट इंजन लगा दिया है, वो कहां रुकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, और ब्रेक उसमें है नहीं, अब चलता जा रहा है बेलगाम घोड़े की तरह। आज सारी सरकारी संपत्तियां बिक रही, इसीलिए देश में व्यापारियों को देश व्यापारियों के हाथ में जाएगा तो देश के लोग भिखारी के रूप में आ जाएंगे। ये मैं बार बार बोलता हूं, चाणक्य कहते थे जिस देश का, जिस राज्य का राजा व्यापारी, उस राज्य का प्रजा भिखारी। ये मैं नहीं कहता, ये चाणक्य का कहा ये वाक्य है। तो इस देश का क्या हश्र होगा आप देख सकते हैं। तो कई बातें अध्यक्ष महोदय एक एक करके याद आ रही है, अगर वो बातें शुरू होगी तो फिर रात बीत जाएगी। इनके घोटालों से लेकर के, इनकी कार्रवाई से लेकर के, इनकी निर्मम और निर्दयी चेहरे को देख करके तो बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि बस इतने कम शब्दों में ही इनका असली चेहरा 20 वर्षों का अब लोग दोबारा याद करना चाहेंगे अब संभव नहीं। और जिस तरीके से विपक्ष को ये अब चाह रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़े में नहीं सके तो इनको हम लोग दूसरे अखाड़े में ले जा करके पटकनियां दें, लेकिन उससे भी ये विपक्ष अब इतना कमजोर नहीं है। जो
40 साल इस राज को बनने में लगा, देश में कोई थाली में परोस के नहीं दिया, अनेक लोगों का शहादत, अनेक लोगों की बलिदानी कुर्बानी, कई विधवा, कई अनाथ हो गए बच्चे, तब जाके ये राज मिला। राज मिलना तो एक पड़ाव था, ये सोचा गया कि इस पड़ाव के बाद अधिकार का सिलसिला चालू हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसे लोग जो इस राज के शोषक रहे हैं, वो तो ये कहते थे अरे तुम लोग सपना देखो, कुछ ना राज मिलने वाला है ना कुछ होना है आप इस राज का। जब राज मिल गया तो बोला राज तो मिल गया लेकिन सरकार उरकार नहीं बना पाओगे, सरकार में तो हम ही लोग रहेंगे, ये तो दुर्भाग्य है या भाग्य है कह लीजिए कि लोग इतना मेहनत कश लोग हैं और यहाँ के लोग की सोच में भी काफी दृढ़ता और संकल्प के साथ यहाँ के लोग अपना अपना स्वाभिमान को बचा के रखते हैं और एकजुटता के साथ आज उन्होंने ये मजबूत सरकार बनाई है और आज इसी वजह से आज इतनी मजबूती के साथ 1932 का खतियान भी हम लोगों ने लागू किया, बनाया, नियम भी बनाया, उसके आधार पर नियोजन नीति भी बनाया और उसके आधार पर अब ओबीसी को भी आरक्षण हम लोगों ने दिया और इसको और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने 9वीं अनुसूची के लिए अनुशंसा भी किया अध्यक्ष महोदय, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से कोर्ट भी प्रभावित ना हो पाए। क्यों इनका कहना है कि क्यों 9वीं अनुसूची में आप भेज रहे हैं, वो 9वीं अनुसूची में भेजने का वजह यह है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से ऐसे कानूनों को संरक्षण मिले। सीएनटी क्यों बना अध्यक्ष महोदय, एसपीटी क्यों बना अध्यक्ष महोदय, विल्किंसन रूल क्यों बना अध्यक्ष महोदय। कल हमारे चायबासा था, इससे कुछ हमारे काफी बुजुर्ग नेता लोग आए, उन्होंने कहा कि कैसे हम लोगों को जमीन का अधिकार प्राप्त है जहां सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ना सरकार उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, यहाँ के आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय बहुत दुर्भाग्य है कि इस राज के इतने आजादी के बाद, ऐसा नहीं है कि आजादी और इतिहास में झारखंड के लोगों का योगदान नहीं है, इतिहास में झारखंड के वीर सपूतों के योगदान मुझे लगता है इस देश में सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बुद्ध भगत जैसे लोगों का तो कोई सुनने वाला नहीं। आज ऐसे लोग ये हमारे सामने बैठे हैं जो आदिवासी दिवस में आदिवासियों को शुभकामना देने से भी कतराते हैं और हमें तो ये कुछ जानकारी मिली है, सही है कि गलत है उसकी मैं जांच कर रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से तो यूएन में लिखा गया है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता, सब हिंदू है। एक भील समाज के वर्ग को लोगों को ही वो एक आदिवासी का एक दर्जा देते हैं लेकिन उनको भी बोलते हैं, उनकी भाषा संस्कृत से मिलती है इसलिए वो भी आदिवासी नहीं है। तो कई षड्यंत्र अभी भी चल रहे हैं और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये तो राजनीति का कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय चारा बन गए हैं ये लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये तो राजनीतिक चारा बन गए हैं और ये बड़े तरीके से उस चारा को खाने में कामयाब हो जाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करा दो, कभी एनआरसी और क्या क्या ये करा दो, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर आदिवासी, गैर आदिवासी, तरह तरह के अभी देखिए शुरू हो गया, ये चुनावी एजेंडा इनका चल रहा है। देखिए महोदय, ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये चुनाव का ये शुरू हो गया है इनका तैयारी। खैर इन पर भी हमारी कड़ी नजर है अध्यक्ष महोदय, इस राज में अब इनकी जितनी दाल, जितनी अत्याचार थी वो इन्होंने कर लिया है, अब इनका
अब सूरज ढल चुका है, अब नया सूरज नई ताकत नई किरण के साथ ये अब राज आगे बढ़ेगा। और इस राज के नौजवानों को मैं बिल्कुल अस्वस्थ रहने के लिए इस सदन से आग्रह करता हूँ और इनको आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार नौकरी के क्षेत्र में सरकार एक नए तरीके से और संवैधानिक तरीके से आगे पहल करेगी और इसमें रोजगार देने का नौकरी देने का हर प्रयास करेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्यगण, भारत सरकार ने भी FOIS नाम का एक सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया जिसको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके आरएनओर की आवाजाही शुरू हुई। इसके अलावा कोई भी चाहे कोयला हो चाहे अभ्रक हो चाहे बॉक्साइट हो किसी भी रेल से लिया जा रहा खनिज संपदाओं के साथ जेम पोर्टल जो हमारे राज्य सरकार का जो जेम पोर्टल है उसके साथ उन सॉफ्टवेयर को समायोजन नहीं किया गया इंटीग्रेट नहीं किया गया। और अभी बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग की बात करते हैं। हमने तो उनको बता दिया आप उनको हिसाब दीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए का आपका इलीगल माइनिंग हुआ है तो ट्रेन कितना आपने उपलब्ध कराया। और अभी इस को लेकर राज्य सरकार एक SIT गठित करने जा रही है अध्यक्ष महोदय कि रेलवे के द्वारा इतने वर्षों में कितने खनिज संपदाओं का आवागमन कराया गया कितना लीगल हुआ कितना इलीगल हुआ। और इसके जांच के लिए हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया मैं SIT सरकार गठित करना चाहती है क्योंकि रेल मंत्रालय भारत सरकार का है उसमें आप हमें सहयोग करेंगे ये हमारी आपसे अपेक्षा है। ये चिट्ठी आने के बाद हमें पता चला है कि तुरंत दूसरे तीसरे दिन इन लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर था उसका एक दूसरे के साथ फिर से उसका इंटीग्रेशन करना प्रारंभ कर दिया। अब तो शायद उसका यह भी हो गया है मतलब टेस्टिंग भी करा लिया कर रहे हैं ये लोग। क्यों वर्षों तक और राज्य सरकार के मंत्री आने तक कभी बोला 15 दिन में करेंगे 20 दिन में करेंगे महीने बीत गए नहीं किया इन लोगों ने। पूर्व के समय तो नहीं है हुआ वो अलग जब जागे तो भी ये काम नहीं हुआ। अंततः हमने ये फैसला लिया कि अब हम ही लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा लेकिन अब भारत सरकार भी रफ्तार पकड़ करके उसमें आगे बढ़ी है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो इस तरीके से यहां तो ट्रक और ट्रैक्टर बदनाम है अध्यक्ष महोदय कोयला बालू गिट्टी कई लीगल काम करने में लेकिन आपको हमको अंदाजा नहीं है ट्रेनों के द्वारा कितना इलीगल माइनिंग हो रहा है और उसका मालिक कौन है। ट्रेन में जैसा बॉगी जुड़ा हुआ इंजन में के साथ 50-60 बॉगी जुड़े रहते हैं ना अध्यक्ष महोदय उसी तरीके से नीचे से लेके ऊपर लेवल तक के लोग को इस बात की जानकारी राज्य सरकार का इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। अध्यक्ष महोदय कहानी ये ना चोर मचाए शोर वाला वही कहानी 1,36,000 करोड़ का मांग भी हमने किया 20 सालों में विपक्ष ने क्यों नहीं किया। आज हमारी स्थिति क्या GST बंद हो गया अध्यक्ष महोदय देश में अब हमारे जैसे पिछड़े राज्य को झारखंड जैसे पिछड़े राज्य की 5,000 करोड़ रुपए का हमको नुकसान है अध्यक्ष महोदय। प्रोड्यूसिंग स्टेट है अध्यक्ष महोदय यहां पर कंज्यूमर बहुत कम उस तरीके से नहीं है जैसे दिल्ली मुंबई में है। आज इस राज्य को गरीब पे गरीब और गरीब पे गरीब किस तरीके से किया जाए बहुत बड़े पैमाने पर इनका ग्रामीण स्तर से लेके हेडक्वार्टर लेवल तक में चलता लोगों को दिग्भ्रमित करने का। अध्यक्ष महोदय
प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को घर देने की बात करते हैं, हर गरीब को घर देने की बात करते हैं। आपको पता है, मैं सदन को बताना चाहूंगा, 8 लाख से अधिक आवास स्वीकृति के लिए महीनों से भारत सरकार में पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहां से परमिशन नहीं मिला, तो गरीबों को हम लोग दें कहां से? देखना होगा, हम लोगों ने अतिरिक्त गरीब को राशन देने का निर्णय लिया, पैसा भी राज्य सरकार देने को तैयार है, लेकिन FCI अनाज देने को तैयार नहीं। जब वहां से थक हार गए तो मंत्री जी आप वैकल्पिक रास्ता से ओपन मार्केट से राशन खरीद के गरीबों को देने का इन्होंने निर्णय लिया। और जब हम अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को हम लोग के पीछे लगा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण पर जो बात हुआ, आरक्षण को लेकर, तो हम आपको बताएं कि जो स्थिति है आरक्षण में, अध्यक्ष महोदय, देश में ST SC OBC की मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो ये आज किस तरीके से सुनियोजित तरीके से बैंकों का मर्जर, रेलवे में आप नौकरी नहीं, आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद, कौन आ गया नया योजना, अग्निवीर, इस अग्निवीर के चक्कर में सारे आदिवासी दलित पिछड़ों का अधिकार खत्म, और थोड़ा बहुत भी कुछ है जो टुकड़ों में दे दिया गया इनको कि 4 साल के बाद आप वापस फिर बेरोजगार हो जाइए। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए दौड़ते थे, अध्यक्ष महोदय, अब वो सारा रास्ता बंद, और जो था नौकरी उसकी स्थिति, अध्यक्ष महोदय, और आप जो स्थिति अब वर्तमान में है, उसके बाद जब 5 साल 10 साल के बाद अगर हम ऐसे डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या स्थिति होगी। देश की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, जो ग्रुप ए में है जिसमें IAS IPS लोग आते हैं, उसमें दलितों की जो प्रतिशत है, अध्यक्ष महोदय, वो 48.5% है, अध्यक्ष महोदय, 50% ही है, 50% से भी अधिक। ग्रुप बी में, अध्यक्ष महोदय, 60%, ग्रुप सी में 45%, अध्यक्ष महोदय, और उसी में आदिवासी समाज का, अध्यक्ष महोदय, ग्रुप ए में 53%, ग्रुप बी में 60% से अधिक, लगभग 61% कह लीजिए, ग्रुप सी में 53.3% है, अध्यक्ष महोदय, और पिछड़ों की तो और बुरे हाल है, अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों में तो ग्रुप ए में 61%, ग्रुप बी में 75% मान लीजिए, 74.8, ग्रुप सी में 60.3% है भागीदारी, अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में तो, अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े ऐसे नजर आएंगे कि अब लगेगा कि इस देश में ST SC OBC को आप नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, खाली है क्या? राज को अपने तरीके से, राज के पदाधिकारियों को, चाहे सचिवालय में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला कार्यालय में हो, इस राज के मूल वासी आदिवासी को, यहां के लोगों को रखने का अधिकार नहीं? और अभी मुझे पता चला है, तो नहीं सही है कि गलत है, जो हम लोगों के नियोजन नीति को इन लोगों ने चुनौती दिया था, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, क्या हाजदा रमेश हाजदा, पूछ लिया जाए इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और बाकी 20 लोग यूपी बिहार के, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसी मुद्दे पर कि सत्ता पक्ष ने ही कोर्ट में इसको चैलेंज करके हरवाने का काम किया। खैर, ये तो बचाल किस्म की जमात है, चिल्लाने में हल्ला करने में इससे तो कोई पार नहीं लग सकता, ये तो सर्वविदित है, और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच जैसा दिखता है, तो लोगों को भी दिखेगा, लेकिन कितने दिन तक ये काम चलेगा? आज इनकी राजनीतिक
सिर्फ ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के दरवाजे पर जाकर टिकी है। ये रोज सुबह शाम इन दरवाजों के सामने जाकर के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्यालय से कोई कागज फेंकेगा तो उनके हाथ में आएगा और मुद्दा लेके राजनीति करेंगे। आज आजकल अखबारों में देख रहे होंगे सत्ता पक्ष को लेकर कई अखबारें रोज सीरीज चल रहा है, कभी इस अखबार में, कभी उस अखबार में, कभी उस अखबार में, बड़ा सुनियोजित तरीके से वो जांच की कार्रवाई का ये को छापा जा रहा है। जैसे आजकल टीवी में एक सीरियल आता है देशमोदम, नेटफ्लिक्स एक ये है, उसमें एक कोई भी आखिर चाहिए सिनेमा कह लीजिए चाहे वो धारावाहिक कह ले, वो अलग अलग पार्ट पार्ट में बनता है। जैसे आखिर बहुत चर्चित क्या है कि मनी हाइट्स एक सीरियल हुआ करता था, 12-13-14 उसके खंड थे। उसी तरीके से अखबार में खंडों खंडों में ये छप रहा है और उसको लेकर ये सड़कों पर उतरते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कोयला मंत्री झारखंड कई बार आए और हमने उनको कहा था कि इस राज्य में पूर्व में भी और आज भी बड़े पैमाने पर जो यहां के खनिज संपदा चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, जो भी खनिज संपदा रेल के द्वारा अवगमन कराया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर इलीगल परिवहन हो रहा है, इलीगल खनिज संपदाओं का अवगमन हो रहा है। और यह घटना पहले अध्यक्ष महोदय आयरन ओर क्षेत्र में हुआ करता था, चाईबासा क्षेत्रों में। जब इसकी जानकारी हुई तो राज्य सरकार ने कुछ अपने व्यवस्था निकाली, उसने एक अपनी सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार के साथ उस सॉफ्टवेयर को शेयर किया।